नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट BSEB ने किया जारी। नीतीश सरकार महिलाओं के लिए ला रही यह खास सुविधा। बिहार में पेट्रोल डीजल की नई कीमतों में आई कमी। भीषण गर्मियों से 2 दर्जन से अधिक छात्राएं बेहोश, परिजनों ने के पाठक के खिलाफ किया प्रदर्शन। हर्षराज मर्डर मामले में PU प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट BSEB ने जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इंटर की कंपार्टमेंट परीक्षा में 57.88% छात्र पास हुए हैं, जबकि मैट्रिक में पास हुए बच्चे 35.47% हैं। वहीं विशेष परीक्षाओं के नतीजे भी BSEB द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा में 59.68% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि मैट्रिक की विशेष परीक्षा का रिजल्ट 63.72% रहा है। भीषण गर्मी से 2 दर्जन से अधिक छात्राएं बेहोश, परिजनों ने के पाठक के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिहार में इस समय प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। कहीं कहीं तो तापमान 45 डिग्री भी दर्ज किया जा चुका है। इसके बावजूद सरकारी विद्यालयों में छुट्टी नहीं मिली है और बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों की लगातार लू के चपेट में आने की खबरें सामने आ रही हैं। बुधवार को शेखपुरा जिले के मध्य विद्यालय मनकोल में एक के बाद एक 2 दर्जन छात्राएं बेहोश होकर विद्यालय परिसर में गिरने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया गया है। वहीं इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मनकोल गांव के पास जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया और के पाठक के खिलाफ नारेबाजी भी की। नीतीश सरकार महिलाओं के लिए ला रही है खास सुविधा। बिहार में CM नीतीश कुमार महिलाओं के लिए एक और खास सुविधा लेकर आ रहे हैं। महिलाओं को यह विशेष सुविधा उनके कार्यस्थल पर देने की तैयारी है। दरअसल श्रम संसाधन विभाग ने एक विशेष विधेयक बनाया है, जिसके तहत महिलाओं को कामकाजी घंटों के समय का निर्धारण होगा। साथ ही कोई भी संचालक अपनी दुकान या प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारी को सुबह 6 बजे से पहले और रात के 9 बजे के बाद काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं कह सकता है। यानी अब महिलाओं से कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं करवा सकेंगे। इस विधेयक का नाम बिहार राज्य दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक है, जिसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद इस विधेयक को मंजूरी के लिए नीतीश कैबिनेट में भेजा जाएगा। हर्षराज मर्डर मामले में PU प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्षराज की हत्या के मामले में पटना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस हत्या मामले से जुड़े आरोपी छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाएगा। पुलिस टीम की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कार्रवाई से पहले छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेकर परीक्षा नहीं देने वाले बच्चों का तैयार हो रहा ब्यौरा। BRABU समेत प्रदेश के कई अन्य विश्वविद्यालय में ऐसे बच्चों की खबर सामने आई है, जो दाखिला तो ले लेते हैं लेकिन परीक्षा नहीं देते। तो परीक्षा नहीं देने वाले ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा निदेशालय ने पत्र लिखा है। पत्र के जरिए स्नातक प्रथम और दूसरे सेमेस्टर में विषयवार शामिल होने वाले छात्रों की सूची मांगी गई है। पत्र में कहा गया है कि स्नातक के दोनों सेमेस्टर में परीक्षा की क्या स्थिति है और किस विषय में कितने छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा, इसका ब्यौरा भेजा जाए। उच्च शिक्षा निदेशालय के इस निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन भी छात्रों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि छात्रों का यह ब्यौरा 20 मई तक ही भेजे जाने थे, लेकिन विश्वविद्यालयों ने इसमें देरी किए तो निदेशालय द्वारा नाराजगी जताई गई और जल्द से जल्द सारी सूचनाएं भेजने के निर्देश दिए गए हैं। 19 साल बाद बिहार के इस गांव में बन रहा मतदान केंद्र। बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र के रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ी पर बसे रोहतास गढ़ पंचायत में पिछले 19 वर्षों के बाद पहली बार मतदान केंद्र बनने जा रहा है। गत 19 वर्षों में यहां लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कोई मतदान केंद्र नहीं बना है। अंतिम बार 2005 में यहां कोई मतदान केंद्र बनाया गया था,
यहां मौजूद लगभग 800 मतदाताओं को मतदान करने के लिए 28 किलोमीटर दूर रोहतास प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में बने बूथ से जोड़ा जाता था, जहां केवल एक या दो दर्जन मतदाता ही पहुंच पाते थे। इस लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन द्वारा नागा टोली के आदिवासी आवासीय मध्य विद्यालय भवन में मतदान केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है। सारण हिंसा से जुड़े मामले में अरेस्ट हुए भोजपुरी सिंगर। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के दौरान हुए सारण हिंसा मामले में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। अब इसी क्रम में सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने वाले भोजपुरी सिंगर संतोष रेणु यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सारण SP डॉक्टर कुमार आशीष द्वारा इस बात की पुष्टि करते हुए कहा गया कि संतोष रेणु ने सोशल मीडिया पर किसी जाति विशेष को लेकर बयान दिया गया था। सारण SP डॉक्टर कुमार आशीष द्वारा इस बात की पुष्टि करते हुए कहा गया कि संतोष रेणु ने सोशल मीडिया पर किसी जाति विशेष को लेकर बयान दिया था। साथ ही संतोष ने BJP प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था। बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे का महाअभियान जारी। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ भारतीय रेलवे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में रेलवे अधिकारियों, निरीक्षकों, कर्मचारियों, TTE और रेलवे सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। चलाए जा रहे इस अभियान के तहत बिहार के 23 रेलवे स्टेशनों पर 11,500 यात्रियों से 85 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। यह अभियान पूर्व मध्य रेलवे के पांचों मंडलों में दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और धनबाद में चलाया जा रहा है। बिहार में पेट्रोल डीजल की नई कीमतों में आई कमी। आज 29 मई की पेट्रोल डीजल का रेट बिहार में जारी कर दिया गया है। पटना में पेट्रोल के दाम में 88 पैसे और डीजल के दाम में 83 पैसे की कमी देखने को मिली है। नई रेट के मुताबिक आज बिहार में पेट्रोल का दाम 105.18 रुपये और डीजल की कीमत 92.04 रुपया है। हीट वेव से खराब हो रही लीची, व्यापारियों को हो रहा नुकसान। बिहार से विभिन्न ट्रेनों के जरिए मुंबई, सूरत, अहमदाबाद आदि प्रदेशों में भेजे जा रही साली लीची हीट वेव के कारण जल रही है और साथ ही लीची की पूरी पेटी काली पड़ रही है, जिसकी वजह से लीची की लोडिंग आधी हो गई है और व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसकी वजह से रेल अधिकारियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले साल पूरे एक महीने तक 24 टन की फुल लोड पार्सल को मुंबई भेजा गया था, जबकि इस साल 8 दिन भी फुल लोड VP सही से नहीं जा सका है। औरंगाबाद रहा सबसे गर्म जिला, तो गया का टूटा रिकॉर्ड। बिहार में मई महीने के अंत तक झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। गर्मी का असर ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों का जीना तक बेहाल हो चुका है। बीते दिन 47.7 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद सबसे गर्म जिला देखने को मिला। वहीं गया में 54 साल का रिकॉर्ड टूटा है और पारा 46 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग ने भी कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें बक्सर, औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास शामिल है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और नवादा में गर्म रात्रि रहने की संभावना जताई गई है। सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर, सम्राट चौधरी का ऐलान। मंगलवार को सासाराम संसदीय क्षेत्र के जगजीवन मैदान मोहनिया में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने जनता से कई वादे किए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री यह कहकर जा रहा हूँ कि 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा है उसे पूरा करने के बाद ही वोट मांगने वापस आऊंगा। तो वहीं उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अयोध्या के राम मंदिर के ही तर्ज पर सीतामढ़ी में भी माँ सीता की जन्मस्थली पर भव्य सीता मंदिर बनाया जाएगा। मुकेश सहनी ने दिया CM को KK पाठक को निकालने की सलाह। VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक को बाहर निकालने की सलाह दी है। बता दें कि बिहार में प्रचंड गर्मियों में भी सरकारी विद्यालयों के बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई बच्चों के बेहोश होने की भी खबर सामने आई है। इसी कड़ी में अब मुकेश सहनी ने कहा है कि ऐसे अधिकारी को बाहर निकाल कर CM को सही फैसला लेना चाहिए। कौन नहीं राम भक्त, योगी के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। मंगलवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि इस बार का लोकसभा चुनाव राम विरोधी और राम भक्तों के बीच है। अब इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस देश में कौन राम भक्त नहीं है, हम तो बचपन से दूरदर्शन पर रामायण देखते आए हैं, लेकिन राम राज्य के लिए बेहतर है बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई को दूर करना और गरीबी को दूर करना। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि राम का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि राम के आदर्शों पर चलकर सब कुछ होगा। पाक के खिलाफ विराट का बेहतरीन रिकॉर्ड, 9 जून के मैच का फैंस को बेसब्री से इंतजार। 1 जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। इस बार टूर्नामेंट में भारतीय टीम का आगाज आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को होगा, तो वहीं 9 जून को अगला मैच पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है, तो साथ ही विराट अभी अपने शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। IPL 2024 में विराट सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, ऐसे में फैंस को भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है रंजीत मिश्रा, पवन सिंह, राजकिशोर महतो, नुन्नू गोपाल कुमार, सादुल्लाह पालवी, जितेंद्र ठाकुर, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, विवेक कुमार, वेद प्रकाश सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, संघर्ष कुमार, मोहम्मद सागर कमल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सरकारी विद्यालयों में छुट्टियां नहीं देने का के पाठक का फैसला सही है या गलत? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।